भारत और चीन के संबंधों का महत्व वैश्विक शांति और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश लगातार इन तीनों ही देशों को डराने में जुटे हुए हैं। चीन जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो भारत उसे मान्यता देने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। बदले में नेहरू को मिला 1962 का धोखा। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग को साबरमती में झूला झुलाया, बदले में मिला डोकलाम का टकराव। अक्टूबर 2019 में मोदी ने जिनपिंग को महाबलीपुरम की सैर कराई, बदले में मिला गलवान। उसके बाद बीते 5 साल में पीएम मोदी और जिनपिंग कई बार मिले, लेकिन वैसे नहीं जैसे दो पड़ोसी मिलते हैं, चाय पीते हैं और बैठकर बातें करते हैं। लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि ब्रिक्स समिट से इतर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने 5 साल बाद द्विपक्षीय चर्चा की। रूस के कजान में इस मुलाकात पर भारत, चीन ही नहीं दुनिया की नजर थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिए डिनर में भी दोनों नेता साथ थे, लेकिन ये भीड़ में मिलने जैसा था। आज हम आपको बताएंगे मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की इस मुलाकात से क्या उम्मीदें हैं, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मुलाकात से किसने अहम भूमिका निभाई है। भारत और चीन के संबंधों का महत्व वैश्विक शांति और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। तो भारत की कूटनीतिक विजय के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है, वो कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि 5 साल बाद की मुलाकात, सबकी नजरें इस पर थी और ऐसे में भारत की ये कूटनीतिक विजय कैसे हुई वो जान लेते हैं। देखिए, रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत हुई है और इसलिए सभी न सिर्फ इन दो देशों की बल्कि पूरे विश्व की नजरें इस मुलाकात को लेकर थी और दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया है। मुलाकात की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये आज की तस्वीरें जब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं कल की अगर बात कर ले तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसमें भारत ने शांतिवाद पर जोर दिया था और ऐसे में ये दोनों ही मुलाकातें बेहद अहम हो जाती हैं, जिसका इंतजार सभी को था और पूरे विश्व की नजर थी इस मुलाकात को लेकर। तो हम चाहे कल की मुलाकात की बात करें पुतिन के साथ या आज की इस मुलाकात की बातचीत की बात करें तो शी जिनपिंग के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, भारत के बिना अकेला है चीन, वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं कि बेहद अहम है, भारत के बिना चीन अकेला है। चीन को अब एहसास इस बात का हो चुका है ब्रिक्स का मंच बहुत महत्वपूर्ण है और बिना भारत के ये मंच बेकार है और इसी वजह से चीन अब भारत के साथ रिश्ते सुधार रहा है, बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन हो जाएगी, ये चीन को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर भी कर रहा है और यही नहीं, चीन में विरोध के बाद भी रूस भारत के साथ खड़ा है, विरोध है इसके बावजूद भी साथ निभा रहा है और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भी की है। रूस लगातार भारत को हथियारों के स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई कर रहा है। रूस ने भारत को सस्ती दर पर तेल भी दिया है, जिसमें महंगाई को काबू करने में मदद मिली और यूरोप को इसे बेचकर भारतीय कंपनियों ने पैसा भी कमाया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और इसीलिए चीन जानता है, समझता है कि भारत के बिना चीन बिल्कुल अकेला है। अब मोदी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात के बारे में भी जान लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल बाद की ये मुलाकात है, लेकिन पहली मुलाकात कैसी थी। मोदी और जिनपिंग की पहली बातचीत हुई ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हुई थी, ये पहली बातचीत हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी, ये ब्राजील में ये मुलाकात थी ब्रिक्स समिट में। और इस बैठक को कूटनीतिक हलकों में काफी अहम भी माना जाता है, क्योंकि इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का एक मंच भी तैयार हुआ।
तब दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए सहयोग बढ़ाने की उस वक्त बात भी कही थी। और इसके कुछ महीनों के बाद ही शी जिनपिंग भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। ये तारीख थी 17 सितंबर 2014 की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, सैन्य, परमाणु ऊर्जा और संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच अनसुलझे सीमा मुद्दे बेनतीजा ही रहे, जिसके कोई रास्ता नहीं निकला, जिसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन चर्चा का दौर उस वक्त जारी रहा और ये वो पहली मुलाकात थी। अब अगर बात करें मोदी और जिनपिंग की मुलाकातों की, क्योंकि पहली मुलाकात का तो हमने जिक्र किया, लेकिन कब कब मुलाकात हुई, कहां मुलाकात हुई, चलिए वो भी जान लेते हैं कि आखिर ये मुलाकात कहां कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी। पीएम मोदी की चीन की राजकीय यात्रा थी। देखिए ये मुलाकात की वो तारीखें भी है। चीन की राजकीय यात्रा थी 14 मई 2015 को, तब ये मुलाकात हुई। इसके बाद ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी 8 जुलाई 2015 को। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसके बाद मुलाकात हुई और वो तारीख थी 4 सितंबर 2016 की, जब इन दोनों के बीच तीसरी मुलाकात थी। और इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन में मुलाकात होती है 9 जून 2017 को। इसके बाद फिर मुलाकात का दौर आगे बढ़ता है और G20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात होती है 7 जुलाई 2017। इन दोनों के बीच की अहम मुलाकातों की हम बात कर रहे हैं कि आखिर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात कब कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई और किन तारीखों को हुई। G20 शिखर सम्मेलन के बाद वापस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनकी मुलाकात होती है, बातचीत दोनों के बीच होती है। 5 सितंबर 2017 की वो तारीख थी। और इसके बाद वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भी दोनों मिलते हैं। ये 26 अप्रैल 2018 की वो तारीख थी जब इन दोनों के बीच में एक बार फिर से मुलाकात का दौर आगे बढ़ता है और वक्त वक्त पर दोनों की मुलाकात होती रही। कई बार बातचीत हुई, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। किंगडाओ एससीओ शिखर सम्मेलन में भी ये मुलाकात होती है 9 जून 2018 को। इसके बाद मालापुरम शिखर सम्मेलन में भी मुलाकात का दौर जारी रहता है और ये तारीख थी 11 अक्टूबर 2019 की। ये मुलाकात का दौर आगे बढ़ता है। G20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात होती है 15 नवंबर 2022 को। और इसके बाद की जो आखिरी मुलाकात इन दोनों के बीच में थी वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात होती है और वो तारीख थी 22 अगस्त 2023 की। तो ये अलग अलग दौर पर मुलाकातों का दौर जारी रहा मोदी और जिनपिंग के बीच में। और ये आप अहम तस्वीरें भी देख सकते हैं और जिस तरह से हमने बताया भी कि कहां मुलाकात हुई और किन तारीखों पर मुलाकात हुई। और इसलिए भी बेहद अहम ये मुलाकात का दौर था जो वक्त वक्त पर दोनों के बीच में होता रहा। लेकिन सवाल एक और है, क्या चीन को भारत को लेकर डर सता रहा था? ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि ये नजर आता था दोनों के बीच के अगर रिश्तों की बात कर ले या जिस तरह से वक्तव्य आते थे उनकी बात कर ले या जो स्टेप्स या एक्शन लिए जाते थे उनको लेकर भी। और इसलिए ये सवाल उठा कि क्या वाकई में चीन को भारत को लेकर डर सता रहा था? चीन भारत के बीच तकरार को कम करने के लिए रूस की अहम भूमिका रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अब चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था। भारत ने भी रूस से तेल, खाद और अन्य सामान खरीदे हैं, इससे रूस को बहुत मदद मिली। भारत और रूस के बीच व्यापार अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है और चीन यूं ही नहीं भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर सहमत हुआ है। भारत के सख्त रुख के बाद रूस ने भी चीन को कई बार समझाया, एक दो बार नहीं, कई बार समझाया। चीन चाहता है कि रूस और भारत की दोस्ती बनी रहे, नहीं तो नई दिल्ली अमेरिका के पाले में चला जाएगा, ये डर था। और भारत फिर पश्चिमी देशों से हथियार खरीदेगा, इससे वे देश मजबूत होंगे जिनसे चीन की तनातनी चल रही है। और यही वो डर था चीन को भारत को लेकर और यही डर है जो चीन को लगातार सता रहा था। लेकिन क्योंकि हम चीन और भारत के रिश्तों की भी बात कर रहे हैं तो 2019 में आखिरी बैठक हुई थी और उसको लेकर भी जान लेते। दोनों नेताओं के बीच की आखिरी मुलाकात आखिरी बैठक थी और यही वजह है कि आज की मुलाकात अहम हो जाती है क्योंकि ठीक पांच साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। लेकिन आखिरी मुलाकात का हम जिक्र कर रहे हैं, आखिरी बैठक की बात कर रहे हैं जो कि 2019 में हुई। दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी जो पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के कुछ महीने पहले हुई थी और जिसने एलएसी के एक सैन्य गतिरोध को जन्म दिया। हालांकि उन्होंने बाली 2022 और जॉन्सबर्ग 2023 में कुछ संक्षिप्त बैठकें की, लेकिन बुधवार की बैठक पहले उचित द्विपक्षीय बैठक है। 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में जो ऑफिशियली बैठक 2019 की जो उनकी आखिरी मुलाकात आखिरी बैठक थी, इसके बाद की ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है। और इसलिए सबकी नजरें इस पर थी कि क्या वाकई में बेहतर रिश्ते करने की कोशिश है, क्या कूटनीतिक जीत के तौर पर भारत के स्तर पर इसे देखा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो एक बार ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ब्रिक्स क्या है, इसे भी समझ लेते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या, जिससे जिसकी बात की जा रही है, जिसके इंतजार रहता है और जिसमें मुलाकात को लेकर भी बेहद खास हो जाती है, सबकी नजरें होती है। अब देखिए, ब्रिक्स समूह है पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय एक समूह के तौर पर इसे देखा जाता है ब्रिक्स, और इसमें देश कौन कौन से शामिल है, देखिए इसमें ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये पांच देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल है, ये एक समूह के तौर पर है। इसमें नए देश भी जुड़े हैं जिसमें ईरान है, मिस्र है, इथियोपिया और यूएई है, ये नए देश है जो कि शामिल हुए ब्रिक्स में। उद्देश्य यही है, आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने का काम यहां पर किया जाए, ये कोशिश है, ये उद्देश्य है ब्रिक्स का। लेकिन उपलब्धि की अगर हम बात कर लें तो देखिए, ईयू को यानी यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बना है ब्रिक्स, और किस तरह से मजबूती के साथ ब्रिक्स आगे बढ़ा, देशों को जोड़ता गया, समूह और मजबूत हुआ, और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बना है ब्रिक्स, और ये बेहतर समझा जा सकता है, और इससे आप समझ भी गए होंगे कि आखिर ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। लेकिन अब सवाल ये कि कहां कहां ब्रिक्स समिट हुए हैं अब तक की बात कर ले, यानी कि ब्रिक्स के सफर की बात कर ले तो उसे भी जान लेते हैं। देखिए, तारीख की हम बात करें तो 16 जून 2009 मेजबान देश की बात करें तो रूस था, और ये जो मुलाकात हुई थी, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये कातिरबर्ग में हुआ था। इसके बाद 15 अप्रैल 2010 की वो तारीख थी जब मेजबान देश बना था ब्राजील, और ब्रासिलिया में ये सम्मेलन हुआ था, यानी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्या में ये अगली समिट हुई थी, ब्रिक्स समिट, और इसके बाद 29 मार्च 2012 की बात करें जहां पर भारत मेजबान बना था, और नई दिल्ली में ये समिट हुई थी, यानी ब्रिक्स समिट कहां कहां हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये तारीख लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अब इसके बाद 26-27 मार्च 2013 को साउथ अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स समिट हुआ, उसके बाद की तारीख थी 14 से 17 जुलाई 2014 जहां पर ब्राजील के फोर्टलेजा में ये समिट हुई थी, रूस के यूफा में ये समिट हुआ, और उसके बाद 15-16 अक्टूबर के 2016 को भारत के गोवा में ये समिट हुआ था। इसके बाद आगे ब्रिक्स समिट की हम बात कर ले तो 3 से 5 सितंबर 2017 को चीन के जियामेन में ये समिट हुआ, और इसके बाद 25 से 27 जुलाई 2018 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये समिट का आयोजन हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। उसके बाद 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राजील में ये सम्मेलन हुआ, जहां ब्राजील के ब्रासिलिया में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद 17 नवंबर 2020 की बात कर ले तो रूस के कोविड की वजह से जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका आयोजन किया गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सभी इसमें जुड़े थे। उसके बाद की तारीख थी 9 सितंबर 2021 जब भारत में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही सभी जुड़े थे, ब्रिक्स सम्मेलन का कारवां ये आगे बढ़ता गया। 23 जून 2022 की बात कर ले तो 23 जून 2022 में चीन में ये आयोजन किया गया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इस समिट को आगे बढ़ाया गया, ब्रिक्स समिट का ये कारवां आगे बढ़ा, ये सफर आगे बढ़ा। इसके बाद का जो आयोजन हुआ था वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि 22-24 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया था, और उसके बाद 2024 यानी 22 से 24 अक्टूबर, जब हम आज इन मुलाकातों की बात कर रहे हैं, तो रूस के कजान में ये आयोजन किया गया, ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया, और ये पूरा कारवा था, ये पूरा सफर था ब्रिक्स सम्मेलन का कि किस तरह से शुरुआत हुई, और उसके बाद जैसे ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाने लगा, आगे मजबूती से बढ़ने लगा, और ये खुद में मजबूती डालने लगा, जिस तरह से सभी देश एकजुट होने लगे, और उसके बाद अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत बड़ा असर है। अब ब्रिक्स शुरुआत से अब तक की अगर हम बात कर लें इसके सफर की, तो वो भी जान लेते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग के दौरान मिले थे, 2006 में जब इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 2009 में रूस में चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, संगठन का ब्रिक नाम पड़ा था, उस वक्त संगठन का नाम ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल हुआ तो संगठन का नाम ब्रिक्स हुआ। 2023 की बात करें तो 6 देशों जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था 2023 में, और 2024 में
यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान ने सदस्यता ली है और सऊदी अरब अभी विचार कर रहा है। तो ये शुरुआत से ब्रिक्स का अब तक का सफर था, किस तरह से ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बना और इसके बाद से और देश है जो इसमें शामिल हुए, इससे जुड़ते गए। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स समिट में मोदी ने क्या कहा, क्या बड़ी बातें थी, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस ब्रिक्स समिट पर थी जिसका आयोजन किया गया। आज जब मुलाकात होती है शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन उस दौरान प्राथमिकता नजर आई उनकी बातों से, वो बड़ी बातें क्या थी, चलिए वो भी जान लेते हैं। ब्रिक्स समिट में मोदी की चार बड़ी बातें, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत जंग नहीं कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है, प्रमुखता से यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि भारत जंग नहीं चाहता, कूटनीति और बातचीत का समर्थन हमेशा से भारत करता रहा है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से यूपीआई ट्रेंड में आ चुका है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है, यह आसान नहीं था लेकिन आज के वक्त में यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो अहम बात उन्होंने कही कि मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को आमंत्रित करता हूं, जिस तरह से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा पूरे देश में, और सिर्फ इसलिए कि पर्यावरण में सुधार हो सके, हर कोई जुड़ सके, और इसके लिए ब्रिक्स देशों को भी आमंत्रित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चौथी अहम बात जो उन्होंने कही वो ये, डिजिटल हेल्थ में भारत को सफल अनुभव प्राप्त है। डिजिटल हेल्थ को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि इसे लेकर सफल अनुभव भारत को प्राप्त। ये चार अहम बातें थी जिसका जिक्र अपने संबोधन के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। अहम यह भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी तो जिनपिंग ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जिनपिंग ने क्या कहा, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है, वही साथ ही जिनपिंग ने कहा ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। जिनपिंग ने यह अहम बातें कही अपने संबोधन के दौरान। गाजा और लेबनान में हमें सीजफायर पर जोर देना होगा, हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा, हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी जरूरत है और साथ ही ग्लोबल साउथ का देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। चीन ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। ये अहम बातें थी जो जिनपिंग ने आज कही ब्रिक्स समिट के दौरान। अब देखिए, अपनी अपनी बातें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रखी, जिनपिंग ने भी रखी, लेकिन दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा है वो कैसे है वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से 2006 से शुरुआत ब्रिक्स देशों ने की और उसके बाद लगातार ये कारवा आगे बढ़ता गया, तो आखिर दुनिया में ब्रिक्स ने अपना दबदबा कैसे कायम रखा, चलिए वो भी जान लेते हैं। दुनिया की अगर हम बात करें, 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है, इससे समझा जा सकता है कि कितनी मजबूती है ब्रिक्स देशों में। दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में है। ग्लोबल जीडीपी में भी ब्रिक्स 27% का हिस्सेदार है, जब ग्लोबल जीडीपी की बात आती है उसमें भी 27% का हिस्सेदार ब्रिक्स है। तो ये जाहिर करता है कि कितनी ज्यादा मजबूती और किस तरह से दबदबा है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी ब्रिक्स का 23% का हिस्सा है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में भी मजबूती के साथ हिस्सेदारी है और दुनिया के कुल निर्यात की जब हम बात करते हैं तो 15% ब्रिक्स देश करते हैं निर्यात, दुनिया के कुल निर्यात का ये 15% ब्रिक्स देश निर्यात करते हैं, और इससे समझा जा सकता है कि ये दबदबा ऐसे ही कायम नहीं है, इसे मजबूती के साथ बनाया गया है। और मिलिट्री पावर की भी जब हम बात करते हैं तो टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश शामिल हैं। जब टॉप 5 की बात होती तो उसमें भी 3 ब्रिक्स देश शामिल हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा कायम है। मजबूती के साथ ब्रिक्स ने अपना स्थान बनाया, अब मजबूती के साथ ये कायम, और इसकी हिस्सेदारी सिर्फ सहयोग की बात नहीं है, यहां पर आर्थिक तौर से भी किस तरह से मजबूती के साथ अपनी हिस्सेदारी ब्रिक्स निभा रहा है वो ये बयां करता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में दबदबा ब्रिक्स का कायम है। लेकिन मंदी के बीच ब्रिक्स देश तेजी से आगे बढ़े, जबकि मंदी के दौर में कई देश थे जो धराशायी हुए, लेकिन ब्रिक्स देश आगे बढ़े वो कैसे, चलिए वो भी जान लेते हैं। 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और तब ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। आर्थिक संकट से पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60% से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मंदी के दौर में ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ से पता चला कि इनमें तेजी से बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की क्षमता है, और ऐसे में मंदी के बीच में भी
वो वक्त था जब ब्रिक्स देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नए देशों के शामिल होने से कितना बदलाव होगा, क्योंकि ब्रिक्स में यानी जो पांच अहम देश थे उसके बाद भी कई नए देश शामिल हुए। सवाल तो उतना लाजमी है कि आखिर इससे बदलाव क्या होगा, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने से इसकी ताकत बढ़ी है। यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया के जुड़ने से ब्रिक्स देशों का बाजार बढ़ा है। यूएई जैसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है, जिसकी ग्लोबल निर्यात क्षमता 2% से भी अधिक है। इन देशों के साथ आने से ब्रिक्स के कुल लैंड एरिया और जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही संगठन की संयुक्त सैन्य क्षमता में भी इजाफा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नए देशों के शामिल होने से बदलाव तो यहां पर होगा और ऐसी ही उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि ब्रिक्स के विस्तार से आखिर अमेरिका को डर क्यों है? जहां चीन की बात हो रही है, जहां भारत की बात हो रही है, ब्रिक्स देशों की मजबूती की बात हो रही है, इन सब के बीच में अमेरिका को डर क्या सता रहा है, वो भी जानना जरूरी है। चलिए वो भी समझ लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ब्रिक्स में अमेरिका को डर क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में अभी 9 देश हैं, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। ये वो देश है जो चाहते हैं कि उनका जुड़ाव हो ब्रिक्स में शामिल, और इनमें ज्यादातर मुल्क हैं जो अमेरिका और पश्चिम के विरोधी हैं। इनके दो मकसद हैं, पहला पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे ज्यादा जो समर्थन है वो रूस कर रहा है, रूस चीन करते हैं, और यही वो दो देश हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी भी हैं। यूक्रेन से जंग से रूस प्रतिबंधों की वजह से पश्चिमी देशों से चिढ़ा भी बैठा है, और चीन खुद को ताकतवर बनाने के लिए छोटे देशों को साथ लाने में जुटा है। ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। अल्जीरिया और मिस्र दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं और दोनों ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं। मिस्र जुड़ भी गया है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगर ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा देश जुड़ते हैं तो अपनी करेंसी में कारोबार करने पर सहमति बन सकती है, और ऐसा होता है तो सीधे अमेरिका का डॉलर कमजोर हो जाएगा, और ऐसा चीन और रूस ही नहीं कई देश चाहते हैं, और यही वजह है कि ब्रिक्स से अमेरिका को डर है। जो उसके साथी हैं, जो उसके सहयोगी हैं, वो अगर ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है अमेरिका के लिए, और यही वो डर है जो अमेरिका को सता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ब्रिक्स समिट जारी है, आज समापन 22 से 24 तारीख तक जो ब्रिक्स समिट चला, उसमें मोदी का पावर पंच नजर आया और पूरी दुनिया की नजर इसी पर थी, और मोदी ने भी प्राथमिकता से अपनी बात रखी। 5 साल बाद मुलाकात चीन से होती है और चीन शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है, और ऐसे में नजर आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से भारत की विजय ये जरूर है। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश पे आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।